तो हम सभी सनातन धर्म को जगाने के लिए ये 108 फीट कांवर यात्रा को निकाल रहे हैं। तो पूरा भागलपुर वासी के द्वारा ही समझिए निकाला जा रहा है, इसका एक ही मकसद है 100 किलोमीटर और 108 फीट का कांवर यहाँ पे अद्भुत है। भागलपुर से अद्भुत कांवर यात्रा निकाली गई है। शिव भक्त 108 फुट के कांवर के साथ बाबा नगरी की यात्रा पर निकले हैं। सभी यात्री बाबा वासुकीनाथ पर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान जिस रास्ते से शिव भक्त निकल रहे थे वो इलाका हर हर महादेव की नारों से गूंज रहा था। यात्रा विश्व शांति के लिए है और हम अपने सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए, जैसा कि हम लोगों का सनातन धर्म आप सभी जान रहे हैं अभी किस माहौल में चल रहे हैं, तो हम सभी सनातन धर्म को जगाने के लिए ये 108 फीट कांवर यात्रा को निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ जाइएगा? हम लोग अभी ये बाबूपुर गंगा घाट से कांवर यात्रा जल भर के बाबा बूढ़ानाथ आए हैं और यहाँ से पुनः पांव पैदल हम लोग सभी चलेंगे बाबा वासुकीनाथ के लिए। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं आपके? हम लोग इस यात्रा में लगभग 500 व्यक्ति शामिल होते हैं और अभी तो लगभग 200-300 व्यक्ति हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे। कब से निकाल रहे हैं ये? हम लोग ये 5-7 साल से निकाल रहे हैं ये कांवर यात्रा। ये कितना साल है? ये 7वां साल है। डाक बम सेवा समिति की ओर से यह कांवर यात्रा निकाली जा रही है। भागलपुर के बूढ़ानाथ गंगा तट से 108 फुट लंबी पैदल कांवर यात्रा की शुरुआत हुई। कांवर यात्रा बाबा बूढ़ानाथ गंगा तट से प्रारंभ होकर झारखंड के बाबा वासुकीनाथ पर जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। डाक बम सेवा समिति के द्वारा निकाला जा रहा है। रणधीर बाबा है, संजय बाबा है, कन्हैया जी हैं, स्वाभिमानी जी हैं, अनेक लोग हैं जिनका नाम लिया जाए वो पूरा भागलपुर वासी के द्वारा ही समझिए निकाला जा रहा है। इसका एक ही मकसद है 100 किलोमीटर और 108 फीट का कांवर यहाँ पे अद्भुत है, चमत्कार है अपने आप में। और इतना लंबा दूरी तय करना है, इन सबको कोटि कोटि प्रणाम, इनकी सोच को प्रणाम और इतना बड़ा कांवर लेके जा रहे हैं उसको भी प्रणाम। बाबा इनका रक्षा करे और सबका मनोकामना पूर्ण हो और रिद्धि सिद्धि और स्वस्थ, सबको बाबा स्वस्थ रखे, यही कामना प्रभु से हम सब मिलके करते हैं। और इतना भव्य कांवर है, काफ़ी दृश्य हो गए, 108 किलोमीटर का मेला लगेगा, इतना बड़ा बाबा बासुकीनाथ का जा रहा है, 108 फीट का कांवर अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारी चीज है। कांवर यात्रा से जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। श्रद्धालु ने बताया कि शिव कल्याण और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो कांवर यात्रा निकाल रहे हैं। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। तो हम सभी सनातन धर्म को जगाने के लिए ये 108 फीट कांवर यात्रा को निकाल रहे हैं। तो पूरा भागलपुर वासी के द्वारा ही समझिए निकाला जा रहा है, इसका एक ही मकसद है 100 किलोमीटर और 108 फीट का कांवर यहाँ पे अद्भुत है।